नमस्कार, मैं ईवीसी चैनल के माध्यम से आज महायज्ञ का पुरस्कार जो यशपाल जी द्वारा लिखित है उसका कहानी सार बता रही हूँ। महायज्ञ का पुरस्कार कहानी में यशपाल ने यह स्पष्ट किया है कि जीवों के कष्टों का निवारण से ही प्रभु प्रसन्न होते हैं। कहानी इस प्रकार है, एक सेठ थे, बहुत विनम्र थे, उदार थे और धर्मपरायण थे। उनके द्वार से कभी कोई खाली हाथ याचक नहीं जाता था, कोई भिखारी खाली हाथ उनके द्वार से नहीं जाता था। पर एक समय ऐसा भी आ गया कि वे बहुत निर्धन हो गए। उन दिनों यज्ञों के फल के क्रय विक्रय का प्रचलन था। एक दिन गरीबी से तंग आकर सेठ की पत्नी ने उन्हें एक यज्ञ को बेचने की सलाह दी। सेठ ने यह सुनकर दुखी हुए पर विवश होकर अपना एक यज्ञ बेचने को तैयार हो गए। सेठ जी के यहाँ से 10-12 कोस की दूरी पर कुंदनपुर नाम के एक नगर में एक धन्ना सेठ रहते थे। लोग कहा करते थे कि उनकी पत्नी को कोई भी देवी शक्ति प्राप्त थी, जिससे वह तीनों लोकों की बातों को जान लिया करती थी। सेठ उन्हीं धन्ना सेठ के हाथों अपने एक यज्ञ बेचने का निश्चित करके चल दिए। सेठानी ने रास्ते में खाने के लिए 4 मोटी मोटी रोटियां बांधी। आधा रास्ता पार कर लेने के बाद उन्हें भोजन और कुछ देर विश्राम करने का निश्चय किया। वे एक पेड़ के नीचे बैठकर रोटी खाने ही वाले थे कि उन्हें कुछ दूरी पर भूख से छटपटाता हुआ एक कुत्ता दिखाई दिया। सेठ ने एक रोटी के टुकड़े उस टुकड़े करके एक कुत्ते के आगे डाल दिए। रोटी खाकर वह कुत्ता सेठ की ओर फिर देखने लगा। सेठ ने दूसरी रोटी के को भी उसे खिला दिया। 2 रोटी खाने के बाद कुत्ते ने कुछ जान आ गई और वह सेठ के सामने आ बैठा। सेठ ने पहले से तीसरी और बाद में चौथी रोटी भी कुत्ते को खिला दी तथा स्वयं एक लोटा जल पीकर अपना रास्ता पकड़ा। सेठ धन्ना सेठ के यहाँ पहुँचे और अपने आने का कारण बताया। तभी धन्ना सेठ की पत्नी आ गई और बोली, यज्ञ खरीदने के लिए तो हम तैयार हैं, पर आपको अपना महायज्ञ बेचना होगा। सेठ ने कहा कि मैंने तो वर्षों से कोई यज्ञ नहीं किया, क्योंकि मेरी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी। धन्ना सेठ की पत्नी बोली कि आपने आज ही महायज्ञ किया है, उसे बेचोगे तो हम खरीद लेंगे, नहीं तो नहीं। सेठानी ने समझाया कि आज रास्ते में आपने स्वयं भूखे रहकर एक भूखे कुत्ते को अपनी रोटी 4 रोटियां खिला दी, यह महायज्ञ ही तो है, क्या आप उसे बेचने के को तैयार हैं? सेठ किसी भूखे को अन्न देने को केवल कर्तव्य मानते थे, यज्ञ नहीं। उन्होंने चुपचाप अपनी पोटली उठाई और चल दिए। अगले दिन शाम को जब वे घर पहुंचे तो खाली हाथ देखकर सेठानी ने पूछा कि क्या धन्ना सेठ नहीं मिले। सेठ ने सारी घटना कह सुनाई। संध्या के समय जब सेठानी दिया बाती जलाने उठी तो रास्ते में किसी चीज से ठोकर लगी। दिया जलाकर देखा तो पाया कि दहलीज के सहारे लगे फर्श के पत्थर का चौका ऊपर हो गया था, जिस पर लोहे का एक कुंदा लगा हुआ था। सेठानी ने सेठ को आवाज दी और कहा, देखो तो यह पत्थर यहाँ कैसे उठ गया। सेठ जी अचरज में पड़ गए। दिए की रोशनी में उन्होंने ध्यान पूर्वक देखा तो पता चला कि वह तो किसी चीज का दकना है। सेठ ने कुंदे को पकड़कर खींचा तो पत्थर उठ आया और अंदर जाने के लिए सीढ़ियां निकल आईं। सेठ और सेठानी दिया हाथ में लिए उतरे।
वहां देखा तो उनकी आंखें चौंधियाने लगी। वह एक विशाल तहखाना था और जवाहरातों से जगमगा रहा था। देव की इस माया का रहस्य उनकी समझ में नहीं आया। दोनों स्थिर खड़े हो गए। तभी अदृश्य पर स्पष्ट स्वर से उन्हें सुनाई दिया, ओ सेठ, स्वयं भूखा रहकर अपना कर्तव्य मानकर प्रसन्नचित तुमने मरणासन कुत्ते को 4 रोटियां खिलाकर उसकी जान बचाई। उस महायज्ञ का यह पुरस्कार है। सेठ और सेठानी इस दिव्य वाणी को सुनकर कृतकृत हुए। वहीं धरती पर माथा टेक कर उन दोनों ने भगवान के चरणों को प्रणाम किया। कहानी का संदेश है कि सच्ची कर्तव्य भावना एवं निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म किसी महायज्ञ से कम नहीं होता। इस प्रकार से कर्म का फल अवश्य प्राप्त होता है। जीवों पर दया करना मनुष्यों का परम कर्तव्य है। प्राणी की सेवा ही नारायण की सेवा होती है। स्वयं कष्ट सहन करके दूसरों को कष्टों का निवारण करना मानव धर्म है। केवल दिखावे के लिए किया गया यज्ञ महत्वहीन होता है। यानी हमें प्राणियों का भी अपने साथ जो रहते हैं प्राणियों का भी ध्यान रखना चाहिए। मैं आपको महायज्ञ जो कहानी है वो समझ में आई होगी। थैंक यू ऑल ऑफ यू।